व्यूअर्स नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर श्रीधर और मैं पिछले 46 ईयर से आयुर्वेद पद्धति के द्वारा सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड पेशेंट्स का बहुत ही सफलतापूर्वक तथा बिना किसी साइड इफेक्ट के ट्रीटमेंट करता आ रहा हूँ। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर या काम इच्छा शक्ति के कम होने के बारे में कि इसके कौन कौन से कारण हैं और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो जब भी हम अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड पेशेंट्स की डिटेल्ड हिस्ट्री नोट करते हैं तो हम मेनली चार सिम्टम्स के ऊपर फोकस करते हैं। नंबर वन डिज़ायर, नंबर टू इरेक्शन, नंबर थ्री पेनिट्रेशन एंड नंबर फोर ऑर्गेजम और इजेकुलेशन। इन चारों सिम्टम में से जो डिज़ायर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम है, क्योंकि विदाउट ए स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर ए सक्सेसफुल इंटरकोर्स इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यानी कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेक्सुअल डिज़ायर के कम होने के कारणों के बारे में। तो जो सेक्सुअल डिज़ायर के कम होने के कारण हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मानसिक कारण और दूसरे होते हैं शारीरिक कारण। मानसिक कारणों को हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक कॉजेज और शारीरिक कारणों को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कॉजेज। तो साइकोसोमेटिक कॉजेज के बारे में पहले बात करेंगे, तो उसमें पॉइंट नंबर वन जो सबसे पहला पॉइंट है साइकोसोमेटिक कॉजेज में वो है डिटेरियोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स और डिस्टर्ब इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। अगर मेल और फीमेल हस्बैंड एंड वाइफ के आपस में उनके जो रिश्ते हैं वो आपस में तनावपूर्वक है या उनके रिलेशन में डिफरेंसेज हैं तो लॉस ऑफ लिबिडो जो है वो कॉमनली देखी गई है। नंबर सेकेंड दूसरा पॉइंट है वो है डिसलाइक ऑफ फीमेल सेक्सुअल पार्टनर्स बॉडी ओडर, माउथ स्मेल, बॉडी फिजिक, सेंस ऑफ ड्रेसिंग, बिहेवियर एंड नॉन कोऑपरेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। अगर आपको अपने फीमेल पार्टनर की बॉडी से, उसके मुंह से स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, उसका बिहेवियर, उसका सेंस ऑफ ड्रेसिंग, उसका बॉडी फिजिक आपको पसंद नहीं है या फिर वो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रही, तब भी आपको लॉस ऑफ डिजायर या लॉस ऑफ लिबिडो हो सकती है। थर्ड कारण है एंजाइटी न्यूरोसिस या डिप्रेसिव न्यूरोसिस। हमारी बॉडी के अंदर मेनली चार हार्मोन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर मूड लाइन को और बॉडी के अंदर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, बिहेवियर और हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन करते हैं। ये चार हार्मोन्स हैं, नंबर वन एंडोर्फिन, नंबर टू डोपामाइन, नंबर थ्री सेरोटोनिन, नंबर फोर ऑक्सीटोसिन। इन चारों हार्मोन में से जो ऑक्सीटोसिन है उसको लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन है ये मेल में फीमेल के लिए और फीमेल में मेल के लिए अट्रैक्शन क्रिएट करता है, यानी कि इट कॉजेज अट्रैक्शन फॉर द ऑपोजिट सेक्स। एंग्जाइटी न्यूरोसिस, टेंशन, डिप्रेशन की वजह से अगर ये हार्मोन जो है वो अपनी एबनॉर्मल मात्रा में आ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो लॉस ऑफ लिबिडो या लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर जो है वो पॉसिबल है या हो सकती है। नेक्स्ट कॉज है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। बहुत से लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, अपनी वाइफ के अलावा वो दूसरी औरतों से भी या दूसरी फीमेल्स के साथ भी उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्प्लिटिंग ऑफ पर्सनैलिटी के कारण उनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से उनको इन द लॉन्ग रन जो है लॉस ऑफ लिबिडो है कॉमनली देखी गई है। नेक्स्ट कॉज है एक्सट्रीम एंड्योरेंस एक्सरसाइज या स्ट्रेनियस एक्सरसाइज। बहुत से लोग जिम में जाके या अपनी डेली रूटीन लाइफ में बहुत ही कष्टदायक या बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा कष्टदायक एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म करते हैं। ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। जैसे जैसे कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारी जो इच्छा शक्ति है, जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो कम होती है। मगर इसके बिल्कुल विपरीत, अगर आप मॉडरेट एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल जो है वो कम होता है और आपकी इच्छा शक्ति जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट कॉज है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ और पार्टनर ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। बहुत से लोग अपने पार्टनर से या अपने आप से बहुत ही ऐसी अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं जिनसे वो अंडर स्ट्रेस परफॉर्म करते हैं और उसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। दैट वन फेलियर लीड टू सेकंड फेलियर, सेकंड फेलियर लीड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ एंड इट बिकम ए चेन ऑफ फेलियर्स। जो चेन ऑफ फेलियर्स होती है वो हमें इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और हमारी इच्छा शक्ति को कम करती है।
नेक्स्ट पॉइंट है अंडर एस्टिमेशन ऑफ सेल्फ सेक्सुअल पोटेंशियल बाय वाचिंग पॉर्न्स। बहुत से लोग पॉर्न्स में दिखाए गए स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक वेल प्लान्ड वेल बिहेव्ड सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के साथ अपने सेक्सुअल पोटेंशियल को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि हमारा सेक्सुअल पोटेंशियल या हमारा जो सेक्सुअल एक्ट है वो उनके बराबर क्यों नहीं है। तो इससे उनके अंदर हीन भावना के साथ साथ उनका जो लिबिडो है या उनका जो सेक्सुअल डिजायर है वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है ड्यू टू इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ड्यू टू रॉन्ग कंपेरिजन। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ फिटिश इन योर फीमेल पार्टनर। फिटिश का मतलब होता है कि इट्स ए सेक्स स्टिमुलेटिंग फैक्टर। मेल जो है वो फीमेल के अंदर और फीमेल जो है मेल के अंदर इस फिटिश को फील करती है या उसे देखती है सुनती है। आपने देखा कि बहुत से लोग जो हैं मेल जो है वो फीमेल की ब्रेस्ट के ऊपर फोकस करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या उसकी आईज के ऊपर या उसके हेयर्स के ऊपर या उसके सेंस ऑफ ड्रेसिंग के ऊपर या उसकी वॉइस इंटेंसिटी के ऊपर फोकस करके अपने पोटेंशियल को इनक्रीज करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। तो अगर आपका कोई फिटिश है आपको उसे अपने पार्टनर के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि अगर आपका पार्टनर जो है उस फिटिश से लैकिंग है या उसमें वो फिटिश नहीं है या उसमें वो सेक्स स्टिमुलेटिंग फैक्टर नहीं है तो वो उसको अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लेगा या अपनी बॉडी के अंदर डेवलप करने की कोशिश करेगा जिससे आपका सेक्सुअल पोटेंशियल जो है वो डे टू डे इंक्रीज होगा और आपकी लिबिडो जो है वो भी इंक्रीज होगी और आपकी सेक्सुअल डिजायर जो है वो डे टू डे बढ़ेगी बनिस्बत कम होने के। अब नेक्स्ट कॉजेज हैं ऑर्गेनिक कॉजेज, ऑर्गेनिक या शारीरिक कॉजेज। इनमें जो सबसे पहला कारण है वो है लो टेस्टोस्टेरोन। हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर जो अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो 300 नैनोग्राम से कम है और उसका सीरम प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है तब भी आपकी सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो कम हो सकती है या आपको लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर हो सकता है। नेक्स्ट कॉज है कुछ एक डिसीजेस, लॉन्ग टर्म डिसीजेज या क्रॉनिक डिसीजेज जिनको हम बोलते हैं, उन डिसीजेज में भी सेक्सुअल पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है जिसकी वजह से इच्छा भी कम हो जाती है। ये कारण है नंबर वन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड प्रॉब्लम्स, स्लीप एपनिया, स्किजोफ्रेनिया, ओबेसिटी, पार्किंसन, मल्टीपल सेक्लोरोसिस, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिसीजेस। यहाँ पर ये बात बता दूँ कुछ एक डिसीजेज ऐसी हैं जिनमें सेक्सुअल पोटेंशियल तो आपका बिल्कुल ठीक रहता है मगर इन एबिलिटी टू परफॉर्म की वजह से यानी कि आप बॉडी के अंदर इमोबिलिटी होने की वजह से पेन होने की वजह से स्टिफनेस होने की वजह से आप सेक्सुअल एक्ट जो है वो पूरी तरह से कर नहीं सकते जिसकी वजह से आपको लॉस ऑफ लिबिडो या लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट कॉज है एडिक्शंस। इसमें एडिक्शंस में आता है शराब, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, जर्दा, मरवाना, गांजा, चरस, रिक्रिएशनल ड्रग्स, कोकेन, हीरोइन। ये जो जितने भी एडिक्शंस हैं ये पहले पहले तो आदमी के या मेल पर्सन के जो है सेक्स को पोटेंशियल को भी और डिज़ायर को भी बहुत इंक्रीज करते हैं मगर बाद में ये धीरे धीरे इसको कम करके उस हद तक ले जाते हैं जिसमें ये डिज़ायर टोटली वैनिश हो जाती है, ख़त्म ही हो जाती है। मतलब वो उनकी डिज़ायर जो है टोटली लैक ऑफ डिज़ायर जो है वो मेन सिम्टम बन जाता है उन लोगों का। तो इसलिए अगर आप ये एडिक्शंस लेते हैं तो आप इसको कम करिए, तो कम करने से आपका जो सेक्सुअल पोटेंशियल है वो धीरे धीरे और आपकी डिज़ायर जो है वो भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट कॉज है कि कुछ एक ड्रग्स जो हमारे डॉक्टर्स हमें हमारी प्रॉब्लम के लिए हमें प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी लॉस ऑफ लिबिडो या लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर को क्रिएट कर सकती हैं या पैदा कर सकती हैं। इनमें है बीटा ब्लॉकर ड्रग्स, कीटोकिनाजोल जो कि एंटी फंगल ड्रग है, उसके बाद अपना मेटाप्रोप्रोबाइड, डोमपेरिडॉल जो कि पेट में ये एसिड के काम आती हैं। नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, सर्पगंधा, फिर आगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जिनमें बारबिट्यूरेट्स एंड कारबेमाज़ेपिन ये जो मेडिसिन है दैट कैन कॉज लॉस ऑफ लिबिडो। उसके बाद अगर एंटी एंड्रोजन ड्रग्स, ये कुछ एक मेडिसिन हैं और इसके अलावा एक बहुत लंबी लिस्ट है जिन ड्रग्स से आपको
आपकी डिज़ायर जो है वो धीरे धीरे कम हो सकती है। इसलिए अगर आप कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो ले रहे हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए, तो आप उसके इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन और साइड इफेक्ट वाले बॉक्स पे जाके ये पक्का करिए कि वो मेडिसिन आपके सेक्सुअल पोटेंशियल को कोई इफेक्ट तो नहीं कर रही। अगर वो कोई इफेक्ट कर रही है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करके, उससे उसकी सलाह लेके आप उसको चेंज कर सकते हैं या उसका कोई सब्स्टिट्यूट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको आसानी से जल्दी मिल सके। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, सर्वे सन्तु निरामया।